हेलो गाइस, आई एम सुजाता साहू। वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी नंबर को आप बाइनरी सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, कन्वर्ट 17 बेस 10 टू बाइनरी सिस्टम और इन बेस 2। यानी अगर आपको ये ना दिया हो और कहा जाए कि बेस 2 पे आपको वो चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो आपको ये पता है कि जब बाइनरी सिस्टम की बात की जाती है तो हम हमेशा दो डिजिट लेते हैं, एक होता है 0 और दूसरा होता है 1। ठीक, यहाँ पे देखिए, आपको एलसीएम आता होगा और आप एचसीएफ भी निकालते होंगे, तो इसमें ऐसे ही डिवीज़न मेथड होता है, लेकिन इसका थोड़ा सा अलग है उन सब से। तो देखते हैं, यहाँ देखिए 17 लिखा है और बेस हमारा क्या है, 2। तो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16 16, यानी इसमें 1 रिमाइंडर बचा है, तो आपने इसको यहाँ लिख लिया। ठीक, उसके बाद 2 4 जा 8, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 0 बचा है, तो हमने रिमाइंडर यानी कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे 0 लिख लिया। उसके बाद 2 2 जा 4, यहाँ पे भी रिमाइंडर आपका 0 बचेगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे 0 लिख लिया। उसके बाद फिर यहाँ देखिए 2 1 जा 2, यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर नहीं बचा है, तो हमने यहाँ पे 0 लिख लिया। अब यहाँ देखिए लास्ट डिजिट क्या है, 1, और ये आगे डिवाइड होगा नहीं, तो हम इस 1 को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, अब ये रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं। ठीक, अब देखिए, आपको यहाँ से नहीं लिखना है, इसमें हम लोग बॉटम टू टॉप जाते हैं, यानी बॉटम से स्टार्ट करेंगे टू टॉप। ठीक, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे 1, उसके बाद लिखेंगे ये 0 यहाँ, फिर ये 0 यहाँ, फिर ये 0 यहाँ, देन लास्ट डिजिट 1 यहाँ। ठीक, हमने बाइनरी में चेंज किया था, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।